नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के उनके ऊपर चल रहे एक पुराने मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी पर चार्ज फ्रेम किया है और मामले की अगली तिथि 3 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है। साल 2007 में मोहम्मदाबाद पुलिस ने भावरकोल थाना में स्वर्गीय बीजेपी विधायक कृष्ण राय हत्याकांड और वाराणसी के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। मामले में सांसद अफजाल अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिया गया था। कोर्ट की ओर से साफ किया गया था कि अफजाल अंसारी को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। गैर जमानती यह है कि जब भी वो जमानत के लिए जाएंगे, जमानत उनका नहीं होगा, और वारंट जारी किए जाने की हिदायत भी दी गई थी। शुक्रवार को सांसद अफजाल अंसारी खुद जो है वो कोर्ट में पहुंचे हुए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर आरोप तय करने के लिए 6 सितंबर की तिथि नियत की है। अंसारी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 की तिथि नियत है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई होने तक यह स्थगित किए जाने का निवेदन किया था। इस मामले में कोई स्थगन आदेश न होने से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखी। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें चार्ज फ्रेम कर लिया। फिलहाल इस मामले में 3 अक्टूबर को अगली तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन जिस तरीके से उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी पर 7 साल और फिर 5 साल की सजा हुई है, उसके बाद इस गैंगस्टर के मामले में उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 3 तारीख को जब इसके नतीजे आते हैं तो क्या जो अफजाल अंसारी हैं उनको भी सजा सुनाई जाती है या फिर वो जमानत पर बाहर रहते हैं। ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।